हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कॉमर्स किचन में। और क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है तो मैंने कहा बाहर मिठाई की दुकान बंद है और घर पे मिठाई खाने का मन किया, तो ये कलाकंद क्यों ना बनाया जाए। ये देखिए मैंने कितना टेस्टी सा कलाकंद बनाना सिखाया है, जिसे बनाने के लिए चाहिए हमें के लिए सिर्फ हमें दूध और दूध की ही जरूरत है। और एक चीज से इतनी सुंदर मिठाई बनाई है, आप सोचेंगे कि ये मिठाई कैसे बनी। ये देखिए मैंने 1.5 लीटर दूध रखा है, इसे मैंने गाढ़ा करने के लिए रख दिया है। ये 15 मिनट तक गाढ़ा होगा। इस 15 मिनट हो चुका है, मेरा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। मैं इसमें 1/2 चम्मच विनेगर डालूंगी। बस दूध फटना नहीं चाहिए, हमारा दूध दानेदार होना चाहिए और इसे कंटिन्यू गाढ़ा होने तक हमें उबालना है। और हमें इसे कम आँच पे रख के कम से कम 15 से 20 मिनट तक चलाते रहना है। देखिए मेरा दूध और गाढ़ा हो रहा है और इसे कंटिन्यू ऐसे ही गाढ़ा करते रहिएगा और चलाते रहिएगा। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए मेरा दूध गाढ़ा हो गया था, मैंने उसे कढ़ाई में पलटा दिया है क्योंकि अभी हमें कढ़ाई पे बनाना है। ये देखिए कितना थिक हो चुका है। अब हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग शक्कर डालेंगे। मैंने 5-6 चम्मच डाला है। इसे गलने के बाद हम टेस्ट कर लेंगे कि ये कितना मीठा है। यदि कम होगा तो हमें थोड़ा और ऐड करना है। इसे अब कंटिन्यू चलाइएगा जब तक वो सूख नहीं जाता है, तो शक्कर अब हमारा पानी छोड़ेगी। फुल क्रीम दूध था और हमेशा फुल क्रीम दूध देने से ही मिठाइयाँ अच्छी बनती हैं। आप देख रहे हैं कितना दानेदार बन चुका है वो दूध हमारा। देखिए जो हमारा दूध है काफी गाढ़ा हो चुका है क्योंकि कलाकंद भी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा और दानेदार बन गया है। इसे कंटिन्यू अभी 10 मिनट तक चलाइएगा जब तक इसका जो थोड़ा सा जो मॉइस्चर बचा है वो सूख जाए। शक्कर डालने के बाद मॉइस्चर निकलता है, वही बस मॉइस्चर है। इसे अब हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसका, और जब भी हम चम्मच चलाते हैं नॉन स्टिक बर्तन में, तो आपको यह ध्यान देना है कि इसे उल्टा चलाना है। ऐसे चलाने पर हमारे जो बर्तन है वो खराब हो जाते हैं नॉन स्टिक, उसमें स्क्रैच आ जाते हैं। इसे ऐसे चलाइएगा ताकि स्क्रैच ना आए। ये देखिए अब हमारा थोड़ा सा बस और बचा है इसे गाढ़ा करने के लिए। ये अब मेरा काफी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और मैंने ये मोल्ड रखा है। ये स्क्वायर मोल्ड है, आप बोल में भी सेट कर सकते हैं। और मैंने इसे इसमें फैला देना है एक मोटी लेयर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राउन कलर हमारा है। इसे स्पैचुला की सहायता से इसे स्क्वायर में बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे और ऊपर से हम इसमें नट्स लगा देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। इसके ऊपर मैंने काजू बादाम और पिस्ता बारीक बारीक काट के रखा है और इसे हाथ के सहारे से इसे सेट कर देना है और इसे 2 से 3 घंटे रूम टेम्परेचर पर रख देना है हमें। ये मेरी मिठाई जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गई है और इसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी है मिठाई। आप देख सकते हैं वो मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। इसे जब तक सेट ना हो 2 घंटे तक बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हमें रखना है, तब वो अच्छे से सेट होगी। मैं इसे आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि वो कितनी अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। ऐसी मिठाई आप अपने घर पे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं।